मतलब आज आप डीजीपी मैडम से मिले महाराष्ट्र की, मीरा रोड के ताल्लुक से आपका क्या कहना है? देखिए अभी हम मुलाकात किए महाराष्ट्र के डीजीपी रश्मि शुक्ला मैडम जी से, उनको एक मेमोरेंडम दिया, हमारे साथ मीरा रोड की हमारी टीम है और आप तमाम देख रहे हो कि वहाँ पे तीन दिन से क्या हो रहा है, किस तरह से देखिए खुशी मनाने का सबको अधिकार है, सबकी आस्था का सवाल है, लेकिन कुछ ऐसे समाज में लोग होते हैं जो चाहते हैं कि माहौल ख़राब हो। कुछ लोग एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया के वहाँ से निकल रहे थे, वहाँ पे कुछ छेड़खानी हुई, फिर बात बढ़ी, तो हम मैडम को ये मेमोरेंडम दिया कि जो भी पक्ष के लोग आप निष्पक्ष कार्रवाई करिए उनके खिलाफ, और जो भी वहाँ राइट करने के अंदर है उसको अरेस्ट करिए, FIR करिए। हम तो ये देख रहे हैं कि कुछ जो बीजेपी के नेता है वो भड़काना चाहते हैं, कोई तो एक तो ट्वीट कर दिया, बोल दिया कि हम चुन चुन के मारेंगे, हम आ रहे हैं वहाँ पे 24 घंटे में खाली करो, नहीं तो ये करेंगे। वहाँ की जो लोकल ML है वो बोल रही है कि 10 मिनट नहीं 15 मिनट नहीं, हमको सिर्फ 5 मिनट, तो हम बहुत भारी संख्या में हम दिखा देंगे, रस्ते में खड़े रह के नारे लगा रहे हैं मीरा वीरेंद्र के जिहादियों को गोली मारो डैश। तो ये क्या हो रहा है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना जवाबदारी बनती है पुलिस प्रशासन की। हम तो चाहते हैं कि हमारे राज महाराष्ट्र के अंदर शांति बनी रहे, भाईचारा बना रहे, और जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे इंसिडेंट कर रहे हैं, दुकानों पर पथराव कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, तब जाके रुकेगा। हम चाहते हैं कि ये सब वायलेंस खत्म हो और पुलिस एक्शन ले उनके खिलाफ, कल्प्रिट्स के खिलाफ, गिल्टी जो लोग हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। मैडम ने हमको आश्वासन दिया है कि हम इंक्वायरी करेंगे और जो भी हो निष्पक्ष कार्रवाई होगी, और जो सोशल मीडिया के ऊपर भी अनाप शनाप बातें लिख रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और सबके खिलाफ जो भी होगा कानून से एक्शन लिया जाएगा। हमारे साथ हमारी सना देशमुख मैडम है, वहाँ की मीरा रोड की सोशल वर्कर, तमाम लोग हमारे साथ में आए और अब आश्वासन है। देखते हैं मैडम क्या करते हैं। हम चाहते हैं राज्य के अंदर महाराष्ट्र के अंदर सुकून शांति भाईचारा बना रहे, और जो इसको भड़काने की कोशिश कर रहा है उसके खिलाफ कानूनी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।